दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसे सुनकर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको आपके पसंदीदा कुछ एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन से हटाने के लिए कहने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है भारत और चीन के बीच हालात क्या है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से कहा है कि या तो चीन से जुड़े 52 मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया जाए या तो लोगों को इनका इस्तेमाल ना करने की सलाह दी जाए। देखिए, सरकार इनको ब्लॉक कर रही है या नहीं कर रही है या फिर आगे करने वाली वो तो बाद की बात है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि इनसे जुड़ी सच्चाई जो है वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि दोस्तों इनका इस्तेमाल करने से सुरक्षित आप नहीं हो और आपके साथ देश भी नहीं है। ये ऐप जो है वो बड़े पैमाने पर डेटा को भारत से बाहर भेज रहे हैं। इस मामले से जुड़े लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स को ये जानकारी दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को जो लिस्ट भेजी है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, टिकटॉक के बारे में सुनकर शायद आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन है ये भी, यूसी ब्राउजर, जेंडर, सेरिट और क्लीन मास्टर जैसे बड़े बड़े एप्लीकेशन शामिल हैं। दोस्तों यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि युद्ध की स्थिति में, जो अभी चल रहा है, स्थिति में इन एप्लीकेशन के जरिए कम्युनिकेशन सर्विसेज को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं ये 52 एप्लीकेशन क्या क्या है। लेकिन दोस्तों उससे पहले नए दर्शकों से गुजारिश है कि इसी तरह की रोज एक नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। दोस्तों मैं ये कभी भी नहीं कहता हूँ कि आप वीडियोस को डिसलाइक न करें। हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लेकिन आज के इस वीडियो को अगर कोई बंदा डिसलाइक करता है तो मैं ये समझूंगा कि वो भारत से नहीं है या तो फिर सच्चा भारतीय नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं बातें करने वाला हूँ देश के लिए, देश के लिए कुछ चीज़ें आपसे यहाँ मांगने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपसे मांगने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो इस वक्त शहीद हो रहे, इस वक्त लड़ रहे हैं बॉर्डर पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको आपके पसंदीदा कुछ एप्लीकेशंस को हटाने के लिए कहने वाला हूँ, जिनमें सबसे पहला जो नाम है वो है टिकटॉक का। टिकटॉक को सिर्फ आपको हटाना नहीं है, इसको डिलीट करना है, अकाउंट को डिलीट करना है। कैसे होगा वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अकाउंट कैसे डिलीट किया जाता है अगर आपको नहीं पता है। तो सबसे पहला जो नाम है वो है टिकटॉक, उसके बाद है वॉल्ट, हाइड, उसके बाद है वीगो वीडियो, वीगो लाइव, वेबो, वीचैट, सेरिट, यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस, जेंडर जो कि जिससे हम फाइल शेयर करते हैं, क्लब फैक्ट्री जो शॉपिंग वाली साइट है, हेलो, लाइकी, कुआई, रोमवी, सैन, न्यूज डॉग, फोटो, वंडर, अपूस ब्राउजर, वीवा वीडियो, क्यू वीडियो INC, परफेक्ट कॉर्प, CM ब्राउजर, वायरस क्लीनर, हाई सिक्योरिटी लैब ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, मी कम्युनिटी, ड्यू रिकॉर्डर, यूकेम, मेकअप, उसके बाद है मी स्टोर, 360 सिक्योरिटी, ड्यू बैटरी सेवर, ड्यू ब्राउजर, ड्यू क्लीनर, ड्यू प्राइवेसी, क्लीन मास्टर, चीता, उसके बाद है कैचे, क्लियर, ड्यू एप्स, स्टूडियो, बायडू ट्रांसलेट, बायडू मैप, वंडर कैमरा, ES फाइल एक्सप्लोरर, QQ इंटरनेशनल, QQ लॉन्चर, QQ सिक्योरिटी सेंटर, QQ प्लेयर, QQ म्यूजिक, QQ मेल, QQ न्यूज फीड, वी सिंक, सेल्फी सिटी, क्लास ऑफ किंग्स, मेल मास्टर, MI वीडियो कॉल, साउमी, पार्लर स्पेस। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ये कहेंगे कि सबूत क्या है कि इन एप्लीकेशन से नुकसान हो रहे हैं। देखिए, ये वक्त सबूत मांगने का नहीं है, ये वक्त सोचने का नहीं है। जब इन पर शक या सवाल खड़े हुए इन एप्लीकेशन पर, तो ये वक्त है इन्हें हटा के फेंकने का। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है बाद में आप इनका इस्तेमाल दोबारा से कर लो, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इन एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से हटा दो। हर एक भारतीय के लिए मेरी ये गुजारिश है। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं टिकटॉक को आपको डिलीट करना, अकाउंट डिलीट करना बताऊंगा, तो वो कुछ ऐसा है कि आपको सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पर टिकटॉक ऐप को ओपन करना है। इसके बाद नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है मी आइकॉन पर क्लिक करना है। मी आइकॉन पर क्लिक करने के बाद देखिए, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा आज इन एप्लीकेशंस को इन वीडियोस के जरिए से दिखाने के लिए। तो आपको मी आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल यहाँ पे खुल जाएगी। यहाँ आपको दाहिनी तरफ ऊपर में 3 डॉट मेन्यू दिखाई देगा, इस पर टैप करें। 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला विकल्प मिलेगा मैनेज माई अकाउंट का। मैनेज माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन के सबसे नीचे डिलीट अकाउंट लिखा नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपसे वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अगर आपने मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाया है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा Gmail अकाउंट के जरिए से। टिकटॉक अकाउंट अगर आपने बनाया है तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद आपकी नीचे जो आपको मिल जाएगा डिलीट अकाउंट, इस पर जैसे ही आप क्लिक
क्लिक करेंगे आपकी अकाउंट जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगी। दोस्तों मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे लोगों के लिए आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।